वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए हम लोग इतने समय से चैनल पे इनएक्टिव थे, लेकिन अब वो काम ख़त्म हो चुका है और हम वापस से चैनल पे एक्टिव हो जाएंगे। और आज हम करने वाले हैं M60 चैलेंज इन क्लैश कोड। फिलहाल के लिए तो भैया USP है हाथ में, और ये लोग यार क्या ही डैमेज दे रहे भाई, कौन सी गन से मारते हो हमें ही बता दो। और गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि अपने पास माइक तो अच्छा वाला है नहीं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर वीडियो कट कर दे रहे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत दिमाग ख़राब किया था लिटरली। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आ गए, और ये बंदा देखो क्या कर रहा है भाई, तू मारना भाई मारना, अरे भाई मारना यार, इतनी देर से गोली चला रहे भाई, ये मारते नहीं है। ओ भाई, थर्ड पार्टी करने को ही आ गया यार। भाई मैं उसे बोला था मारने को, तेरे को नहीं भाई, क्या करें, इसे रिवाइव करें? नहीं यार, तो जोन में मर जाएगी, नहीं कर दे रहे भाई। मतलब कैसा बंदा था यार, जब से हम बोले थे मार मार, भाई मार ही नहीं रहा था। चलो इधर पर मेडिकेट कर ले, और नीचे भाई ये बंदे आ गए, दिख गया। और भाई अपनी नूड़ी पहले ही नॉक हो गई, और ये शायद अपना गेम यहाँ पर ख़त्म है। हाँ भाई, अपना गेम यहाँ पे ख़त्म है, और इसी के साथ पहले राउंड में अपार गंदे तरीके से हारे हैं भाई ने। दूसरे राउंड में दिखा रहे अपन लोग क्या हैं, अब दिखा रहे भाई, अब तो आ गई M60 हाथ में। देखो भाई ये बंदा भैया पीक दिखा रहा, अभी कॉपी खोल रहे। ओ भाई भाई कितना डैमेज दिया यार, मेरे साथ हमेशा ये होता है, इतना डैमेज दे लो बंदे मरते ही नहीं हैं। चलो भाई दूसरे साइड से जा रहे गाइस, मुझे कोई यार बताओ यार, ये बंदे मरते क्यों नहीं इतने डैमेज के बाद भी। फिलहाल तो शायद इधर कोई बंदा है, वही मेरे को एक बंदा दिखा। एक गोली लग जा, बैठ के मेडिकेट कर रहा शायद। एक गोली लग जा। ओ भाई हेड लग गया और ख़त्म। चलो भाई हेडशॉट के साथ ख़त्म हो गया भाई बंदा, क्या ही हेड लगा। ओ भाई दूसरा बंदा भी उधर पे। अच्छा दूसरा राउंड तो मस्त तरीके से निकाल दिया। अब भाई देखते हैं तीसरे राउंड में क्या होता है। और यहाँ पर पहले ही हमने एक बहुत ही बेकार नेट कर दिया, अभी हम सोच रहे हमने नेट किया क्यों। चलो देखते हैं ऊपर जाएँ क्या, चल जाते हैं। ओ भाई 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 ओ भाई भाई कितना डैमेज दे दिया भाई, आधी हेल्थ खाली भाई। भाई हम पीछे आके ही लोंगे भाई, ये लोग ने एडवर्ट कर देंगे। और यार अपने टीममेट्स क्या कर रहे हैं भाई, एक नॉक हो गया, एक अधमरा है, और मोस्ट नॉक ही है वो भी। चलो नॉक हो गया भाई, चलो जरा देख रहे किसी का एम आता है क्या। अरे आ जा यार, ओ भाई सामने एक बंदा है यार, मैंने अभी देख लिया एडिटिंग के टाइम पर, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पर पता नहीं मैंने इसे क्यों नहीं देखा था। चल भाई अभी मर गया। ओ भाई दो बंदे, ओ पी भाई डबल किल कर दिया भाई। चलो भाई भाई ने भाई मतलब नूड़े लोग क्या ही गंदे तरीके से मारे थे। और भाई इस राउंड में लिटरली इतनी देर से इधर पे बैठे थे कि कोई बंदा आएगा नहीं आया, लेकिन तो हमने फिर सोचा कि जय माहेश्वती करके नीचे कूद जा रहे। और जैसे ही कूदे मैंने क्या देखा, सामने ही बंदा भाई, और तुरंत वुकोंग बने, और ये ओपी साइड रख दिया ऐसे। नहीं ऐसे नहीं लगा था ओपी साइड भाई, एक और बंदा सामने, हाँ इसे लग गया था हेड। तभी भाई इन दोनों को ख़त्म किया। और भाई यहाँ पे हमने वैसे वीडियो को कट कर दिया था, क्योंकि वो लास्ट बंदा लिटरली पूरे गेम में कहीं मिला ही नहीं था हम लोगों को, और पता नहीं उसे किसने मार दिया था। ये को अभी भी नहीं मिला, पता नहीं उसे किसने मार दिया था, हम लोगों को किल मिल गया था, और हम लोग राउंड जीत गए थे। मतलब इसने इतना घुमाया था, ये मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली हम लोग ये राउंड भी जीत गए। और गाइज अब तो हम लोगों का गेम जीतना बहुत ही आसान था, सिर्फ एक राउंड देखना था। और यहाँ पर हम जूम इन करके टाइम पास कर रहे थे, कोई अपना हेड दिखाया, किसी ने भी अपना हेड नहीं दिखाया। मैंने सोचा सीधा रश कर दे रहे अपन, क्योंकि बहुत प्रो हैं। और जैसे ही हमने रश किया, हाँ सही में भाई डर लग रहा था भाई घुसने में, तो भाई चलो जा रहे थे, जो होगा देखा जाएगा। चलो घुस जा रहे। अरे भाई इधर पे तो कोई बंदा ही नहीं है। ओ भाई सामने ग्लू वॉल लगी है, हाँ यार उसके पीछे बंदा है, मैंने देख लिया दादी से भाई, इसे तो मारेंगे। अरे भाई इसने एक और ग्लू वॉल लगा लिया, और मेरा वुकोंग भी इसी टाइम पे फूट गया। चलो ओ भाई यार ये तो बाहर आ गया भाई, कितने गलत टाइम पे भाई, छोड़ दे। ओ भाई लास्ट मोमेंट पर मार दिया यार, कोई बचा लो भाई, वो आ जाएगा भाई कोई बचा लो। अरे नूड़े लोग आ जाए यार, चलिए भाई कोई नहीं आया इधर पर, उसने नेट करके मार दिया भाई। हम लोग ये राउंड बहुत गंदी तरीके से हार गए थे, फिर चलिए हम लोग बहुत गंदी तरीके से हारे थे ये राउंड। ये देखो ये दीदी को होश ही नहीं है, इन्हें गोली पड़ रही भाई। इस राउंड में तो हम लिटरली जंपिंग जपक कर रहे थे, बंदर बनने की नाकाम कोशिश। और ये जंपिंग जपक करते करते ही इधर से उधर, उधर से इधर जाते जाते मैंने सोचा किसी का किल ले, लेकिन बंदे ही नहीं दिख रहे थे। फिर थोड़ी हमने और जंपिंग जपक करी इस टायर से उस टायर, सामने एक बंदा लिखा लेकिन इसको डैमेज दिया भाई, और डैमेज से आपको पता ही है कि अपने तो कोई बंदा मरता नहीं। और फिर जब इस टायर से जंप करके यहाँ पे आया, तो वही लिटरली सामने बंदा दिखा, हमने सोचा अब तो ये गया। हमने भाई डैमेज देने की कोशिश करी, और ये भाई इतना डैमेज दिया मरा नहीं। और ये भाई ये क्या भाई, किसने डेजर्ट ईगल का हेड चिपका दिया यार, इतना डैमेज देने की कोशिश करी और किसने डेजर्ट ईगल का हेड चिपका दिया। और भाई टीममेट्स तो आपको पता ही है कितने अच्छे हैं, कोई रिवाइव तो करेगा नहीं।
लोग तड़प तड़प मर जाएंगे इधर पे। देखिए मर गए, और ये राउंड भी हम लोग के हाथों से चला गया। ये बंदा कौन सा जिताई देगा अकेले में। ओ भाई चलो ये भी एम पी फाइव के हाथों से मर गया। अब भाई लास्ट राउंड है। अब भाई लास्ट राउंड मैंने इसलिए कट कर दिया था क्योंकि बहुत बोरिंग गया था, लेकिन तब भी हम लोग आपको एक लास्ट क्लिप दिखा दे रहे हैं उस राउंड की। वैसे तो बहुत बोरिंग राउंड था लेकिन लास्ट क्लिप दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख लो भैया, हम यहाँ से कूदे और सोचा था चलो दो बंदे बचे, एक को तो मार लें। हम यहाँ से आते ही इस बंदे ने मैं धप्पा कर दिया, और भाई लिटरली इस बंदे ने धप्पा क्या किया, इस बंदे ने रिवाइव देने की कोशिश भी नहीं करी यार। उसने पूरा गेम ख़त्म हो गया लेकिन किसी ने रिवाइव भी नहीं दिया, इसलिए हम बोले थे कि बहुत बोरिंग राउंड गया था ये वाला। लेकिन तब भी ये वाला चैलेंज बहुत अच्छा गया था, क्योंकि एक एआर गन का चैलेंज क्लैश स्क्वाड में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।